हमारे साथ हैं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव साहब। सर, किस तरीके का बजट देखते हैं आप? बजट ये बहुत सकारात्मक है। मैं प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने देश हित में, आम लोगों के हित में, गांव गरीब किसान के हित में इस बजट में प्रावधान किया है। और सचमुच में कोई वर्ग और कोई ऐसा तबका नहीं है जिसके लिए इस बजट के माध्यम से सोचने का काम, उनके विकास का काम, उनके कल्याण का काम न किया गया हो। आपके मंत्रालय से जुड़े हुए काफ़ी नई पहल की गई ग्रामीण विकास से, चाहे वो किसानों की बात हो या सामाजिक कल्याण की बात हो, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए जिस तरीके से कहा जा रहा है, मध्यम वर्ग को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है, टैक्स स्लैब में कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। टैक्स स्लैब में छूट नहीं देने का मतलब ये हुआ कि मध्यम वर्ग को राहत नहीं मिली है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। ये बजट देश के लिए है, सभी तबका, सभी वर्गों को का ख्याल रखने का काम किया गया है, चाहे वो किसान हो। किसानों के लिए कितना बड़ा काम किया गया, डेढ़ गुना उनके लागत पूंजी का डेढ़ गुना उनको सुनिश्चित किया गया है, मुनाफा मिलेगा। हेल्थ सेक्टर में कितना बड़ा काम किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत गांवों को सड़कों से जोड़ने का, चाहे हर गरीब के छर पर सर पर एक छत हो उसकी व्यवस्था की गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं के लिए सोचने का काम किया गया है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे सबसे बड़ी बात यह है, पूरे चार साल के दरमियान सरकार ने हमेशा किसानों की चिंता की, हमेशा नौजवानों की, गरीब की चिंता की है, और आज भी परिलक्षित हो रहा है इस बजट के माध्यम से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का साफ तौर पर कहना है, केवल यही बजट नहीं, इससे पहले के भी बजट किसानों पर केंद्रित रहे हैं। कैमरामैन संजय कुमार के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।